खबर रामपुर से है। समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता एवं रामपुर से शहर विधायक आजम खान अपने तीखे बयानों के लिए जाने जाते रहे। वह 10वीं बार विधायक चुने गए हैं। वर्तमान समय में वह अदालत में कई मुकदमे लंबित होने से चलते सीतापुर की जेल में हैं। ऐसे में विधानसभा की प्रक्रिया के मुताबिक विधानसभा में विधायक को शपथ दिलाई जाती है। इसी से जुड़ा एक पत्र सीतापुर की जेल पहुँचा, जिसे वहाँ के जेल अधीक्षक ने रामपुर की MP MLA अदालत को रेफर कर दिया, लेकिन अदालत ने उन्हें शपथ के लिए विधानसभा जाने की अनुमति नहीं दी। आइए देखते हैं क्या है पूरा मामला। मोहम्मद आजम खान को जेल से सीतापुर जेल से विधानसभा में शपथ ग्रहण में उपस्थित कराने के लिए जेल प्रशासन ने न्यायालय से अनुमति मांगी है। रामपुर MP MLA कोर्ट मजिस्ट्रेट ट्रायल में एक प्रार्थना पत्र जेल अधीक्षक सीतापुर से प्राप्त हुआ है, जिसमें कहा गया है कि 28 और 29 तीन 2022 को शपथ ग्रहण समारोह में उपस्थिति के लिए अनुमति की आवश्यकता है। तो मोहम्मद आजम खां न्यायिक अभिरक्षा में है, काफ़ी मामलों में उनकी ज़मानत मंजूर हो चुकी है और कुछ एक मामलों में उनकी ज़मानत अभी शेष है, जिसका मामला ऑनेबल हाईकोर्ट के सामने ज़मानत हेतु विचाराधीन है। तो ऐसी स्थिति में इंटरिम बेल दिए जाने का कोई प्रावधान मेरी राय में नहीं बनता है और माननीय न्यायालय MP MLA कोर्ट से भी उन्हें कोई अनुमति शपथ ग्रहण में जाने की नहीं प्राप्त हुई है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ हब, भारत।